नाज़रीन आपको अहम खबर से आगाह करेंगे। लाहौर हाई कोर्ट ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ को कौमी असेंबली की रुकनियत से डी नोटिफाई करने पर इलेक्शन कमीशन से जवाब तलब कर लिया है। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम ने एके डोगर एडवोकेट की वसादत से दायर गुलाम यासीन भट्टी की दरख्वास्त की समाअत की। दरख्वास्त में इलेक्शन कमीशन, स्पीकर कौमी असेंबली और नवाज शरीफ को फरीक बनाया है। दरख्वास्त गुजार की जानिब से मौकिफ इख्तियार किया गया था कि नवाज शरीफ को आवाम और अरकान कौमी असेंबली ने अपने वोटों से वज़ीर आज़म मुंतखब किया। आईन के आर्टिकल 95(a) के तहत वज़ीर आज़म को सिर्फ अदम एतमाद की तहरीक के जरिए ही हटाया जा सकता है। नवाज शरीफ इस वक्त भी वज़ीर आज़म है, इसलिए इलेक्शन कमीशन के 28 जुलाई के नवाज शरीफ की अहलियत से मुतालिक नोटिफिकेशन को करदम करार दिया जाए और केस के फैसले तक इलेक्शन कमीशन के नोटिफिकेशन को मुअत्तल करार दिया जाए।